छठी पीढ़ी चल रहा है यहाँ का, 1872 में खुला है ना, बगल वाला 1875 का है। देखिए उसी लिए हम लोग आपके पास आए, आपके पास 3 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अरे दरभंगा के ही हैं आप तो, अक्षय कुमार जी तो इधर रहते भी थे ना। छत्ता मदन गोपाल में घर है। कहाँ पे मकान उनका? छत्ता मदन गोपाल 1180 मकान, उन्हीं का मकान है जी। उसका नानी का घर है, वो साल में 2 साल में एक बार आता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। अंतिम दिन है आज दिल्ली में, और होटल से चेकआउट कर चुके हैं और अभी आए हैं चांदनी चौक की ओर, जा रहे हैं फिलहाल पराठे वाली गली। किधर है? हाँ नहीं पता। तो इधर हम लोग चांदनी चौक में आए हुए हैं, सामान वामान लेके घूमना पड़ रहा है क्योंकि फ्लाइट जो है लखनऊ का वो रात में है और दिन का टाइम जो है वो पूरा बचा हुआ है। पराठे वाली गली किधर है? और अब जो है लोग खाते पीते दिख रहे हैं तो लग रहा है कि पराठे वाली गली जो है वो आ चुका है। और शायद किधर है पता चला? यही लग रहा है भैया। पराठे वाली गली किधर होगा? यही है। अच्छा ये वाली गली जो है, तो ये है पतली सी गली है और लोग यहाँ खड़े होकर खा रहे हैं, मतलब जिन्हें भी देखे हम लोग हर कोई खड़े होकर बस इधर खा रहे हैं। खाने के लिए लोग इधर आते हैं। अब चलते हैं गली के अंदर। ये क्या हो गया? तिवारी जी कॉर्नर छोले भटूरे। तो इस तरह से देख सकते हैं पतला सा गली है और लाइन से ही बस खाने पीने का। इधर एक शॉप दिखा, नेक्स्ट जो है इधर एक शॉप दिख रहा है और अब हम लोग बढ़ते हैं राइट की ओर। कन्हैया लाल दुर्गा प्रसाद पराठे वाले, यही खाना है। सबसे फेमस वाला यही पे क्या? हाँ फोटो लगा हुआ है रणबीर कपूर। अच्छा तो सारे जो सेलिब्रिटी उनका फोटो लगा हुआ, जिससे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि शायद सबसे पॉपुलर वाला यही हो। तो एक शॉप तो जो है वो ये वाला हो गया, इसमें हर एक सेलिब्रिटी का फोटो दिख रहा है। उसके जस्ट बगल में फिर है ये इधर दूसरा शॉप, इधर भी क्राउडेड ही है। क्या हुआ आगे कुछ है बढ़िया? नहीं नहीं कुछ नहीं, यही वाला। अच्छा आगे बस कपड़े का दुकान है, खाने पीने का नहीं है। किसमें खाना? इसमें या उसमें? इसमें भी तो सबका फोटो है ही। नहीं ना ये वाला भी तो बढ़िया लग रहा है, ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। 1875 का है ना लिखा हुआ है क्या इसमें? हाँ। कहाँ? अच्छा ये है 1875 का। हाँ। ये वाला कब का है? इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है कब बना है इसका। अच्छा ये 1872 का है, देखो ये 3 साल पहले का है, ये 1875 का। तो बस इसी के साथ विनर होता है ये वाला 1872 वाला। 3 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन लोग के पास और थोड़ा ये स्पेशियस भी लग रहा है। नाम है पंडित गया प्रसाद शिव चरण। अच्छा ये नाम ही दुकान है, पंडित गया प्रसाद शिव चरण यही नाम है, यही दुकान का भी नाम हो गया। दादा हुए होंगे कभी के। और इधर जो मेन्यू वगैरह है वो आप देख सकते हैं, सारा मेन्यू आपके सामने है। आलू पराठा, पल्स पराठा, जितना तरह का पराठा है सारा रेट्स वेट्स सामने में है। तो ये बगल वाले को हम लोग स्किप करके अब आए हैं इधर खाने, इधर ही कुछ खाएंगे। सबसे ज़्यादा फेमस भैया कौन सा पराठा है यहाँ का? यहाँ तो सबसे ज़्यादा है रबड़ी का मीठा में हो गया, और ग्रीन चिली का हो गया, हिंजीरा का हो गया, नींबू का हो गया, किचन का हो गया। इतना सारा नाम ले लिए, एक कोई खाना है तो क्या खाया? ग्रीन चिली का खा लो। ग्रीन चिली का? ग्रीन चिली मिक्स वेज पंखा देखिए, वो तो तीखा होगा ना फिर बहुत? नहीं बिल्कुल तीखा नहीं होगा। तीखा नहीं होगा ग्रीन चिली का? क्या रेट होता है? 180 का प्लेट है। 180 का एक प्लेट, उसमें दो पीस रहेगा। अच्छा दो पीस रहेगा। क्या किया जाए, ग्रीन चिली खाया जाए या रबड़ी वाला खाया जाए? क्या पराठा? हाँ पापड़ वाला खाएंगे। पापड़ पराठा? पापड़ पराठा भी है? उसमें क्या होता है? पापड़ का जैसे फ्राई करके स्टफिंग होता है, पापड़ चूरा करके डालते हैं उसके अंदर। उससे बड़ी वही होता है ना? नहीं मैं तो मिक्स वेज पसंद है यहाँ पे। आपको मिक्स वेज पसंद है? जी ग्रीन चिली का। चलिए आपको जो पसंद है वही खाएंगे, आपको जो पसंद है वो एक बना दीजिए। बैठने का कहाँ? इधर बैठा था, इधर बैठ जाएँ। छठी पीढ़ी चल रहा है यहाँ का, 1872 में खुला है ना, बगल वाला 1875 का है। देखिए उसी लिए हम लोग आपके पास आए, आपके पास 3 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अरे दरभंगा के ही हैं आप तो बढ़िया से ज़रा छान के खिला दीजिए हम लोग।
एक प्लेट में दो पीस मिलता है ना ऐसा। और यहाँ का जो पराठा होता है इसका कॉन्सेप्ट वो तवा वाला नहीं होता है। अच्छा, इधर घी रखा हुआ है और घी में छाना जा रहा है, मतलब यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि तवे पर सेका जाए। स्टफिंग होता है ना सारे कच्चा होता है। अच्छा। भी नहीं है। इसके से चला जाए। अच्छा, वो जो सारा स्टफिंग है वो कच्चा है, कोई पका हुआ फ्राई किया हुआ कुछ नहीं रहता है। अच्छा, और यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि छान के दिया था ना। इसमें ये है जो तला हुआ पराठे में 10 ग्राम घी जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। ये भी फिक्स है 10 ग्राम घी फिक्स है। और सिका हुआ पराठे में क्या है, जितना भी घी डालो वो पीता ही जाएगा। अच्छा। इसमें उतना घी नहीं जाएगा, ये लगेगा ही नहीं जब कुछ छना हुआ है। तो ये एक बेनिफिट है भैया के हिसाब से कि अगर इस तरह से छान के बनाया जाए पराठा तो ज़्यादा घी ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर सेक के बनाया जाए तो बहुत घी अब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें जितना भी चम्मच में डालो वो पीता ही जाएगा। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? 18 साल से हैं यही पराठा बना रहे हैं। जब आया था यहाँ 5 रुपए का पराठा था, 15 रुपए का, 5, 15, 10। अच्छा, जब आए थे तो 5, 15, 10 का था, अभी होगा, अभी हो गया 180। 180 200 160। आप ही के बाद हम लोग ग्रीन चिली वाला लिए हैं, देखते हैं अब कैसा रहता है। आगे देखिए उसके बाद हमको बताइएगा। तैयार हो गया तो इधर जो हमारा पराठा है ये रेडी हो गया। साथ में क्या मिलता है भैया? सब्जी, 3 सब्जी मिलेगा, 2 चटनी मिलेगा, सैलेड मिलेगा। किस किस चीज़ की सब्जी? आलू मटर मिलेगा, आलू मेथी मिलेगा, पम्पकिन मिलेगा, और केले के सॉस, पुदीने की चटनी और सैलेड। और अंदर में देख सकते हैं बैठने का भी बहुत मुश्किल से जगह मिलने वाला, सारा सीट ऑलमोस्ट भरा हुआ है, कहीं से जगह ढूंढेंगे, बैठेंगे, खाएंगे। सामने फोटो में अक्षय कुमार आए थे। अच्छा, अक्षय कुमार आए थे, उनको भी यही खिलाए थे ग्रीन चिली का पराठा। बगल वाले में रणबीर कपूर आया है। अच्छा, बगल वाले में रणबीर कपूर, आपके पास अक्षय कुमार। चलिए, तो एक्टर भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला वही आपके पास आए हैं। जी जी जी, यहाँ पे जितना भी है सारे नेता ही लोग हैं। इन लोग को अच्छा लगा था पराठा यहाँ का? जी, सबका अच्छा लगा। तो अक्षय कुमार जी तो इधर रहते भी थे ना? छत्ता मदन गोपाल में घर है इसका। कहाँ पे मकान उनका? छत्ता मदन गोपाल 1180 मकान। उन्हीं का मकान है जी, उसका नानी का घर है, वो साल में 2 साल में एक बार आते हैं। एक बार आते हैं वहाँ पे, फिक्स है? अच्छा, अभी मकान में कोई रहते नहीं है वहाँ पे, खाली है, पड़ा हुआ है। अच्छा, तो इधर देखिए, इधर हमारा जो प्लेट है पराठा का वो निकल रहा है। भैया कौन कौन सब्जी डाले जरा बताइएगा। ये आलू मेथी है, सीताफल है, आलू मटर है, पुदीने चटनी है, केला सौंठ है, गाजर मूली का अचार है। इतना सब कुछ मिलता है एक पराठे के साथ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो है हमारा प्लेट सज चुका है, गर्मा गर्म पराठा आ चुका है। इतना भीड़, इतना हल्ला भैया हो रहा है, कैसे कैसे लोग आके यहाँ पर बैठे हुए हैं जगह बना के। और हर एक शॉप में तो इसी लेवल का भीड़ लगा है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है। अब जो है ये हम लोग पराठा निकलवाएंगे और खाएंगे। और कितना जल्दी बन गया, मतलब मुश्किल से 3 से 4 मिनट में पूरा पराठा रेडी हो चुका है। तो असुविधा के लिए खेद है, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था और खाने के हड़बड़ी के चक्कर में मतलब माइक ऑन करना भूल गया। गर्मा गर्म पराठा खाना था, बहुत सुन रखे थे चांदनी चौक के पराठे वाली गली के पराठे के बारे में, एक्साइटमेंट था खाने का, इसलिए हड़बड़ के चक्कर में माइक ऑन करना भूल गया और हड़बड़ में गड़बड़ हो गया। बट कोई बात नहीं, वॉइस ओवर करके आपको रिव्यू देते हैं, क्योंकि जो वीडियो वाला वॉइस है वो प्रॉपर आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आने वाला है नहीं। तो पराठे के रिव्यू पर आते हैं, रेट्स की बात करें 180 रुपीज़ का 2 पराठा हाईली ओवर प्राइस लगा। दिल्ली के हर खाने की भांति ये खाना भी ओवर प्राइस लगा, 180 रुपीज़ बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है रेट्स इन 2 पराठों का। और अब हम टेस्ट पे आते हैं, तो टेस्ट की बात करें तो अबव एवरेज कहेंगे, वाओ आउटस्टैंडिंग काइंड ऑफ नहीं कहेंगे, बट अच्छा था पराठा का टेस्ट, बढ़िया था और कुछ यूनिक था। हरी मिर्च का स्टफिंग था और ये तीखा वाला हरी मिर्च नहीं था, ये तीखा नहीं लगेगा आपको। अब आते हैं पापड़ पराठा पे और यहाँ अपनी गलती को सुधार के माइक ऑन कर चुके हैं, तो रिव्यू सुनो। नेक्स्ट हम लोग एक और पराठा लिए हैं क्योंकि ये थोड़ा यूनिक सा लगा। और ये इधर देखिए, ये है पापड़ पराठा, ये इसके अंदर में कुछ पापड़ का स्टफिंग किया गया है। अच्छा, तो ये इस तरीके से पापड़ को फ्राई करके फिर शायद तोड़ा गया है और इसमें स्टफिंग किया गया है पापड़ का। अब हम लोग करेंगे इसका टेस्टिंग, ये थोड़ा सा ये भी बढ़िया है, थोड़ा पापड़ का क्रंच आ रहा है, बट इससे ज़्यादा बेटर जो वो ग्रीन चिली वाला खाएं वो लगा। तो कुछ अलग ट्राई करना है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा बेटर हमको लगा ग्रीन चिली पराठा। और एक और यहाँ स्पेशल है रबड़ी पराठा, तो ये खाने के बाद मूड हुआ तो उसे भी ट्राई करेंगे ही। इसी लास्ट बाइट के बाद ख़त्म करते हैं वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, कुछ अलग तरह का व्लॉग था।
जो यूजुअल हमारा स्टाइल है कि दुकान पे जाए, वहाँ स्टार्ट करें, वहाँ के बारे में बताएं, वहाँ दिखाएं, हट के कुछ किए, कुछ अलग किए। कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।